हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, अर्थात कर का भुगतान। जीएसटी एक्ट में कर का भुगतान किस प्रकार से करें, ये हम आज एक क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाना का प्रयास मैं कर रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें वो विधि जो मैंने मेरे शुरू के लेक्चर्स में आपको समझाई थी कि अगर हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसकी हम क्रेडिट भी लेंगे साथ साथ, और वो किस क्रम में लें ये विद्यार्थियों आपको पता होना जरूरी है। अर्थात हमारा जो आउटपुट टैक्स है उसमें से इनपुट टैक्स हमें घटाने के बाद बची हुई कर की राशि ही चुकानी होती है। अतः इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो रूल हैं वो हमें संक्षेप में एक बार पुनः है समझ लेने हैं। यहाँ आपको तीन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 1, एकीकृत कर की इनपुट कर जमा का उपयोग पहले एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जाएगा। अर्थात यदि आपके पास IGST है तो हमें IGST की इनपुट क्रेडिट सबसे पहले IGST से लेनी है, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 2, यदि एकीकृत कर का भुगतान करने के बाद भी यदि एकीकृत इनपुट कर जमा का शेष बच जाए तो अन्य कर, केंद्रीय कर, राज्य कर या संघीय क्षेत्र कर के भुगतान के लिए भी पहले एकीकृत इनपुट कर जमा का ही उपयोग किया जाएगा, जब तक कि इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो जाए। अर्थात अगर हमें हमारे पास IGST बची हुई है तो पहले IGST की पूर्ति आपको करनी है, उसकी क्रेडिट अपने को लेनी है। नंबर 3, एकीकृत इनपुट कर जमा का उपयोग केंद्रीय कर, राज्य कर या संघीय क्षेत्र कर के भुगतान के लिए किसी भी क्रम में हम कर सकते हैं। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि राज्य कर या संघीय क्षेत्र कर कि इनपुट कर जमा का उपयोग एकीकृत करके भुगतान के लिए केवल उसी दशा में किया जाएगा जब केंद्रीय कर की इनपुट कर जमा का शेष एकीकृत करके भुगतान के लिए उपलब्ध नहीं है। इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ मैं आपको क्रम बता दूँ। IGST की पूर्ति पहले IGST से करेंगे, फिर CGST से, फिर SGST से और फिर UTGST से। और CGST की क्रेडिट अगर आपको लेनी हो तो पहले CGST से लेंगे, उसके बाद IGST से लेंगे। और अगर SGST की क्रेडिट लेनी है तो पहले SGST से लेंगे, फिर हम IGST से लेंगे। और UTGST की क्रेडिट लेनी है तो पहले UTGST से लेंगे, फिर IGST से लेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है कि CGST की क्रेडिट SGST से नहीं लेंगे और SGST की क्रेडिट CGST से नहीं लेंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन के द्वारा इनको समझना चाहते हैं। मेसर्स XYZ एंड कंपनी, जो केंद्रीय माल व सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत एक पंजीकृत व्यक्ति है, के द्वारा माह जून 19 में किए गए क्रय विक्रय आदि का विवरण इस प्रकार है। द फॉलोइंग आर डिटेल्स ऑफ परचेज सेल ऑफ मेसर्स XYZ। नंबर 1, परचेज गुड्स ए फ्रॉम लोकल डीलर फॉर ₹4,30,500 इंक्लूसिव ऑफ GST एट द रेट 5%। परचेज गुड्स बी फ्रॉम लोकल सप्लायर ₹4,06,72,000 इंक्लूसिव ऑफ GST एट द रेट ऑफ 12%। परचेज गुड्स सी फ्रॉम लोकल सप्लायर ₹4,11,80,000 इंक्लूसिव ऑफ GST एट द रेट 18%। द वैल्यू एडिशन बाई वे ऑफ एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट मार्जिन इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच गुड्स इज एज फॉलोज। फॉर गुड्स ए एक्सपेंडिचर ₹20,000, प्रॉफिट मार्जिन एट द रेट 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। ऑन गुड्स बी एक्सपेंडिचर ₹30,000, प्रॉफिट मार्जिन एट द रेट 8% ऑफ टोटल कॉस्ट। फॉर गुड्स सी एक्सपेंडिचर ₹50,000, प्रॉफिट मार्जिन एट द रेट 5% ऑफ टोटल कॉस्ट। जावा का आपूर्ति पर कर की दर माल ए बी और सी के लिए क्रम से 5%, 12% और 18% है। यह मान लीजिए कि जून 2019 में क्रय किया गया संपूर्ण माल जून 19 में ही बेच दिया गया है। इनपुट कर जमा स्वीकृत करने के बाद जून 19 के लिए देय केंद्रीय माल व सेवा कर तथा राज्य माल व सेवा कर की राशि ज्ञात कीजिए। हमें जून 19 के लिए CGST और SGST पेबल की रकम ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ तीन तरह के गुड्स हैं जो हमने परचेज किए हैं, गुड्स ए, गुड्स बी और गुड्स सी। और उनमें हमने एक्सपेंडिचर ऐड करके, प्रॉफिट जोड़ करके उनको हमने सप्लाई भी कर दिया है, सेल भी कर दी है। तो ऐसी स्थिति में हमें GST का कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है वो हम आज के इस क्वेश्चन के द्वारा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं। हमें बताया है परचेज गुड्स ए फ्रॉम लोकल डीलर
4 रुपीज़ 4,30,500 इंक्लूसिव ऑफ GST 5%। तो इसमें GST शामिल है, तो GST शामिल है, तो हमें 100 रुपये का माल हमने 105 से बेचा है, तो 4,30,500 का 100/105 आप कर लीजिए, तो हमारे लिए एक्चुअल परचेज ज्ञात हो जाएगी, जो मैंने आपको यहाँ ज्ञात करके बताई है। देखिए आप इस प्रकार से परचेज कॉस्ट निकाली हमने 4,30,500 गुणा 100/105, क्योंकि इसमें 5% जीएसटी शामिल था, तो जीएसटी रहित अर्थात एक्सक्लूडिव जीएसटी हमारी परचेज 4,10,000 रुपये की है। हमने इस पर एक्सपेंडिचर किए हैं, जैसा कि क्वेश्चन बताया था कि 30,000 रुपये इसके ऊपर हमने खर्चे किए हैं 20,000 रुपये, तो आप जोड़ दीजिए एड एक्सपेंडिचर इनकर्ड 20,000 रुपये, तो ये जोड़ दिया, तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी, इसकी कॉस्ट आई 4,30,000 रुपये। हमने गुड्स ए पर 10% ग्रोस मार्जिन जोड़ा है, तो आप इसमें 10% ग्रोस मार्जिन की अमाउंट 43,000 जोड़ दीजिए, तो एड प्रॉफिट मार्जिन 10% ऑफ टोटल गुड्स 43,000, और योग कर दिया हमने इसका, और योग आया 4,73,000 रुपये। टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ इनवॉइस वैल्यू बिफोर GST 4,73,000, ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू बन गई है। तो ये गुड्स ए के लिए था, ठीक इसी प्रकार से हम गुड्स बी के लिए गणना करेंगे। हमें कहा है परचेज गुड्स बी फ्रॉम लोकल सप्लायर 4,76,72,000 इंक्लूसिव ऑफ GST एट 12%, तो यहाँ पर भी 12% इसमें GST शामिल है, तो हम 6,72,000 गुना 100/112 करेंगे पहले, तो इससे हमारी एक्चुअल परचेज हमें आ जाएगी। इस प्रकार से आप लिख दीजिए इसको, परचेज कॉस्ट एक्सक्लूडिंग GST 6,72,000 गुना 100/112 6 लाख। अब इसमें हमारी एक्सपेंडिचर हमने किए 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये आप एक्सपेंडिचर जोड़ दीजिए, तो जैसे ही हमने 30,000 रुपये जोड़ दिए, तो हमारी कॉस्ट आई 6,30,000 रुपये। हमें 8% प्रॉफिट मार्जिन जोड़ना है, 6,30,000 का 8% जोड़ दीजिए आप, 6,30,000 का 8% निकाला तो आता 50,400 रुपये, और जैसे हमने ये योग किया तो हमारा जो है टोटल आउटवर्ड जो है सप्लाई आ जाएगी 6,80,400 रुपये। तो बिफोर GST गुड्स बी की टोटल सेल्स वैल्यू हमने निकाली 6,80,400। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हमें गुड्स सी के लिए भी गणना करनी है। गुड्स सी परचेज गुड्स सी फ्रॉम लोकल सप्लायर 4,11,80,000 इंक्लूसिव ऑफ GST 18%। तो डियर स्टूडेंट्स हमें 11,80,000 इंटू 100/118 करके गुड्स सी की एक्चुअल परचेज हमें ज्ञात कर लेनी है। तो एक्चुअल परचेज हमारी आई 10 लाख रुपए की, और इस 10 लाख रुपए में गुड्स सी पर हमने 50,000 रुपये एक्सपेंडिचर खर्च किए हैं, तो वो आप ऐड कर दीजिए, 50,000 रुपये हमने एक्सपेंडिचर इनकर्ड जोड़ दिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 10,50,000 रुपये, और इस पर हमने प्रॉफिट मार्जिन लिया 5%, तो 10,50,000 का 5% प्रॉफिट जोड़कर हम सेल्स वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो 10,50,000 का 5% निकाला हमने, तो 52,500 रुपये, और हमारी सेल्स आई 11,02,500 रुपये टोटल सेल्स वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू बिफोर GST। तो इस तरीके से हमने ए बी और सी तीनों गुड्स के लिए सेल्स वैल्यू हमने निकाल ली है, और एक्चुअल परचेज भी हमने ज्ञात कर ली है। अब हम कंपोटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अर्थात CGST और SGST पेबल की गणना करते हैं। तो मैंने यहाँ एक कॉलम बनाया पर्टिकुलर्स का, एक अमाउंट कॉलम है CGST के रुपीज का, और एक SGST की रुपीज का। प्रत्येक गुड्स पर हम ये अलग अलग गणनाएं करके दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहा हूँ गुड्स ए। जी स्टूडेंट्स गुड्स ए की सेल्स है हमारी 4,73,000 रुपये, और हमने इसको सेल किया है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए 5% इस पर GST था, तो इसका आधा हो जाएगा 2.5% CGST और 2.5% SGST। तो 4,73,000 रुपये का 2.5% CGST है 11,825, और SGST है 11,825, अर्थात हमारी जो सेल्स थी 4,73 की जो आउटवर्ड सप्लाई थी उस पर CGST 5% दो भाग कर दिए बराबर बराबर CGST और SGST। तो ये दोनों के हमने अलग अलग ज्ञात के लिए गुड्स ए के। ठीक इसी प्रकार से गुड्स बी की हम बात करते हैं। गुड्स बी की सेल्स है 6,80,400 रुपये, तो 6,80,400 रुपये पर CGST की और SGST की रेट कॉमन 12% है, तो जिसका हाफ हाफ CGST और SGST हो जाएगा, तो 6,80,400 का 6% CGST निकाला हमने 40,824, और 6% SGST ज्ञात किया वो भी है 40,824। तो ये हमारा आउटपुट टैक्स बन गया बी गुड्स पर, ये ए पे था ये बी पर था। अब ठीक इसी बात से सी गुड्स के ऊपर भी हमें आउटपुट टैक्स ज्ञात कर लेना है। सी गुड्स की सेल्स है हमारी 11,02,500 रुपये,
और इस पर हमारा टोटल टैक्स जो था वो 18% था, तो 18% का 9% CGST और 9% SGST, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेल से सारे इक्वेशन में, तो हमारे दोनों भाग बराबर बराबर हो गए, 9% CGST 9% SGST। तो हमने गणना की तो 99,225 रुपये CGST आया, 99,225 रुपये SGST आया। हमने इनका योग कर दिया, ये गुड्स ए का, ये बी का और ये सी का, इनका हमने योग कर दिया, तो टोटल CGST और टोटल SGST जो आउटपुट टैक्स के रूप में है ये हमारे पास आ गई, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हमारी ये बन गई। अब इस आउटपुट जो टैक्स लाइबिलिटी है उसके बाद में हम ज्ञात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी अवेलेबल है, वो हम ज्ञात करना चाहते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ए। गुड्स ए विद्यार्थियों आपने देखा हमने परचेज किया है 4,10,000 रुपये का, जो आपके क्वेश्चन में मैंने यहाँ दिखा रखा है, 4,10,000 रुपये गुड्स ए की परचेज थी, इस पर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालनी है। तो 4,00,000 कुल 5% आपको लेनी है, जिसका दो भाग कर देंगे, 2.5% CGST 2.5% SGST, 10,250 और 10,250। तो इस तरीके से हमारी अमाउंट आ गई। अब हम गुड्स बी की बात करते हैं, गुड्स बी की हमारी परचेज थी 6,00,000 रुपये की और इस पर टैक्स रेट थी हमारी 12%, तो 6,00,000 का 12% निकालना है, तो ये 72,000 रुपये होता है, लेकिन दोनों में बराबर बराबर कर दीजिए, 36,000 CGST 36,000 SGST। तो ये हमने परचेज के समय इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया था। और ठीक इसी प्रकार से गुड्स सी के लिए, गुड्स सी की परचेज हमने 10,00,000 रुपये की है, मैंने यहाँ दिखा रखा है, गुड्स सी की परचेज 10,00,000 की, इस पर हमारा टोटल टैक्स 18% था, तो 10,00,000 18% 1,80,000 रुपये होता है, तो 9% CGST 9% SGST, तो 90,000 और 90,000 रुपये हो गया। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है हमारी 36,250 और 36,250, और ये है हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो ये स्टूडेंट आपने पढ़ा है कि आउटपुट टैक्स में से हम इनपुट टैक्स लाइबिलिटी घटाते हैं और जो बचा हुआ है टैक्स वो हम हमारा GST पेबल कहलाता है। हमें करना है कंपोटेशन ऑफ CGST एंड SGST पेबल। तो ये स्टूडेंट हमारा CGST 1,51,874 हमने कलेक्ट किया था और SGST हमने कलेक्ट किया है 1,51,874, इसमें लेस कर दीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। तो हमने याद कर लिया है CGST का योग हमारे पास 1,36,250 का, तो ये लेस कर दीजिए, और SGST का योग भी हमारे पास है 1,36,250। तो हम देख रहे हैं कि SGST हम देख रहे हैं कि हमारे आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स कम है, तो कंप्लीट क्रेडिट हमें मिल गई और बचा हुआ टैक्स हमें चुकाना होगा 15,624 CGST 15,624 SGST। तो CGST एंड SGST टू बी डिपॉजिट इन कैश। तो इस तरीके से हमें GST का भुगतान करना होता है। तो आपने इस एग्जाम्पल के द्वारा यह समझने की कोशिश की कि CGST की पूर्ति हमने CGST से की है और SGST की क्रेडिट हमने SGST से ली है। इस क्वेश्चन में चूंकि इंट्रा स्टेट सेल थी, किसी भी प्रकार का IGST नहीं था, तो आसानी से हमने टैक्स की गणना कर ली। तो ये हमारा मेथड रहेगा कंपोटेशन ऑफ टैक्स का और टैक्स पेएबल का, जिसमें हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लेनी होती है। मेरे अगले क्वेश्चन में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन लूँगा जिसमें CGST भी होगी, जिसमें SGST भी होगी, उसमें IGST भी होगी, तो किस प्रकार से हम इनके क्रेडिट लें और कैलकुलेशन ऑफ टैक्स कैसे करें, ये अपने को विशेष रूप से समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स, GST की गणना करने के लिए सबसे पहले हमें हमारी एक्चुअल परचेज चाहिए, फिर उसमें जो हमने वैल्यू ऐड कर दी है, चाहे एक्सपेंडिचर के रूप में चाहे प्रॉफिट के रूप में, हमारी वैल्यू सप्लाई निकालनी है, अर्थात वैल्यू ऑफ इनवॉइस निकाल लेनी है, और उसमें भी किसी प्रकार के खर्चे हुए हैं तो मैंने आपूर्ति का जो कैलकुलेशन आपको बताए थे, वैल्यू ऑफ सप्लाई याद करने के तरीके, वो खर्चे जोड़ने वाले जोड़ दीजिए, घटाने वाले घटा दीजिए। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल करके हमें आउटपुट टैक्स निकालना होता है। तो मेथड ये रहेगा हमारा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, टैक्स पेबल के संबंध में था, जिसमें हमें GST पेबल की गणना की है। अगले लेक्चर में मैं ऐसा क्वेश्चन लूँगा जहाँ IGST भी आपको मिलेगा। आपको ये लेक्चर यदि समझ में आया तो आप इसको लाइक कीजिए, वो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।